बी सेल एक्टिवेशन। तो बी सेल एक्टिवेशन जो हमारा बी सेल है एक्टिवेशन करने के लिए, उसमें क्या होता है, हमारे दो पाथवे होते हैं, क्योंकि दो तरीके के एंटीजन होते हैं जो हमारे बाइंड करते हैं हमारे बी सेल से, सॉरी बी सेल एंटीजन से। बी सेल का काम होता है एंटीजन बनाना, एंटीबॉडी बनाना। तो दो पाथवे होते हैं बी सेल के एक्टिवेशन करने के लिए। तो जो पहला होता है ना हमारा, पहला कहते हैं TH सेल डिपेंडेंट एंटीजन पाथवे। कुछ एंटीजन होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो हमारे बी सेल में जब बाइंड करते हैं ना, तो उनको ना रिक्वायर्ड, उनको क्या होता है, जो उनको ना TH सेल की ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। तो ऐसे को हम कहते हैं TH सेल डिपेंडेंट एंटीजन। और ऐसे इसका एक अपोजिट होता है TH इंडिपेंडेंट एंटीजन पाथवे, इंडिपेंडेंट एंटीजन पाथवे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है TH सेल की। इसमें खाली एक्सपोजर ऑफ TH सेल डिराइव्ड साइटोकाइंस के एक्सपोजर से ही ना ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट कर देगा बी सेल को। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है इनमें। बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा ये वाला पाथवे जो इसका है और इसका है, तो पहला डिफरेंस हो जाएगा हमारा कि ना अफिनिटी मैच्योरेशन होती है इसमें, अफिनिटी मैच्योरेशन। यस लिख लेता हूँ मैं मानने के लिए, यस होती है इसमें। इसमें क्या होती है, नहीं होती है, नो, अफिनिटी मैच्योरेशन नहीं होती है। और दूसरा होता है हमारा स्विचिंग ऑफ आइसोटाइप्स, तो इसमें होती है स्विचिंग ऑफ आइसोटाइप्स, लेकिन इसमें नहीं होती है। इसमें खाली होता है हमारा कौन सा आइसोटाइप होता है, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी। और एक और देखे तो एक और डिफरेंस है कि ये क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे मेमोरी सेल्स को, सिंथेसाइज मेमोरी सेल्स, मेमोरी बी मेमोरी सेल्स। जो कि आपको पता होगा कि जो बी सेल्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बनाते हैं, दो चीज़ बनाते हैं, एक तो हमारा प्लाज्मा सेल बनाते हैं और एक हमारा क्या बनाते हैं, मेमोरी सेल बनाते हैं। तो मोस्टली प्लाज्मा सेल बनाते हैं और उसमें से एक होता है मेमोरी सेल। तो ये क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे मेमोरी सेल को। इसमें नो सिंथेसाइज हो मेमोरी सेल, नो लिख लेता हूँ खाली, तो इसमें कोई सिंथेसाइज नहीं होगा मेमोरी सेल का, बस यही है बेसिक।